नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर केंद्र सरकार में मौजूद टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी के दो मंत्रियों अशोक गजपति और वीएस चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी को सीबीआई ने एक नोटिस भेजा था, जिसके जवाब में मेहुल चौकसी ने कहा है कि उनका भारत आना संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने दलील दी कि भारत सरकार ने उनका पासपोर्ट भी रद्द कर दिया और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। मुंबई सीरियल बम धमाके के आरोपी और अंतर्राष्ट्रीय डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी फारूक टकला को सीबीआई ने कल दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया, जहां उसके बाद उन्हें मुंबई की टाडा अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 19 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेली जा रही त्रिकोणीय T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कल भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया, जहां भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराकर मैच अपने नाम कर लिया। और अब बात करते हैं बॉलीवुड की। फिल्म हेट स्टोरी 4 आज सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म के पिछले 3 हिस्सों की बात करें तो उसे लोगों ने काफी पसंद किया था। अब देखना होगा कि इस फिल्म को लोग कितना पसंद करते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही, और अधिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।